टाइगर नहीं आना, ये म्याऊ म्याऊ वाले बिल्ले ना बिल्ले, हाँ मैं तुसें सुनाई होना। देखो ना, देखो गुलाम जो ना गुलाम है उन्हें क्या करना भरावा, गुलाम जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बीजेपी का क्या बंदा, सोनिया गांधी के गुलाम, इतने आनी है लोगों पर दाड़े मारिए आजाद बनना, मेरी पार्टी बीजेपी है भरावा, इनका कुछ नहीं बनना, मुक्की है देना। अगर मेरा बस चलता ना अपना, हूं तुस मेरे को सारिया गल् कढ़ाइए मुसीबत पाड़ दो, ये सारे लम्बे लम्बे पे ही, किसी ने दाढ़ी रखी है या दाढ़ी काटी है ये उनका अपना मजहबी मामला है। ये टाइगर नहीं है ना, ये म्याऊ म्याऊ वाले बिल्ले न, ये म्याऊ म्याऊ वाले बिल्ले न, ये म्याऊ म्याऊ वाले बिल्ले न। कल जब से फारूक अब्दुल्ला को रिलीज किया गया है तो एक बात सुनने को मिल रही है एनसी के खेमे से कि टाइगर इज बैक। रविंदर जी, रविंदर रैना जी, जवान सारे ठीक हैं? रविंदर रैना जी, फारूक अब्दुल्ला को रिलीज कर दिया गया है और टाइगर इज बैक की बात की जा रही है कि अब फिर से टाइगर जो है राज करने के लिए तैयार है, क्या आप एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू होने जा रही है? जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल एक्टिविटीज कभी बंद हुई नहीं, नेता बंद थे ना, नेता बंद वो थे जो जड़े खुरापाती ना, जड़े शरारतां करदे ना, जड़े शरीफ लोकें उपर उन्हें बदनाम करदे ना, हमले करदे ना, गरीबें लुटदे ना, गरीबें दा खून चूसदे ना, वो अंदर ना, बाकी जनता खुश है, जनता आज़ाद है, सच इमानदारी दा राज इले चला रहा है और तकलीफ उन्हें ही है जिन्हें बड़ा बड़ा लुटी लुटी है खादा, वो नहीं खा सकते। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर आप कह रहे थे कि भाजपा से होगा, लेकिन अब अपनी पार्टी प्रधानमंत्री से मिलने गई हुई थी, तो कहीं एक बार फिर से इस चीज के ऊपर पानी तो नहीं फिर जाएगा? जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बीजेपी का क्या बनना है और जनता बीजेपी नाल है, तो ये अपनी पार्टी, मेरी पार्टी बीजेपी है भरावा, अपनी पार्टी भी बनी है ना? नहीं, वो उनकी पार्टी है, साड़ी बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, जम्मू कश्मीर जेदा सब तो ज्यादा बेस है और भारतीय जनता पार्टी इले जम्मू कश्मीर जेदे 15 लाख तो उपर मेंबर है ना एक्टिव, और जम्मू कश्मीर च सब तो ज्यादा सरपंच, पंच, बीडीसी चेयरमैन, म्युनिसिपल कमेटीज, काउंसिल कारपोरेशन जिंदे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इस वास्ते इलेक्शन जदू भी होने वोट जनता ने पाने और जनता ने बीजेपी की पाने, क्योंकि जनता का भला बीजेपी के करी सकती है, सच्चाई अच्छाई ईमानदारी नाल बीजेपी ने कम करना, बीजेपी को वोट जनता डालेगी, लेकिन जनता में जो इस टाइम युवा हैं, जो इस टाइम परेशान हैं, चाहे वो J&K बैंक को लेकर हैं, SRO 202 को लेकर हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर हैं, तो क्या युवा वोट नहीं डालेगा? देखिए नौ जड़े जितने भी सारे युवा ना, तुसें देखिया होना अस उनके नाल में हमेशा रहा, ये देखो ये सारे युवा ने सवेरे दे इत्थे मेरे घर दरबार लगा था, हूँ मैं दफ्तर जाना उत्थे दरबार लगा था, जनता आदि है, जनता का अस काम करा ने और जनता नाल हाँ, जिते कुते परेशानी है, कोई समस्या आ रही है, उस परेशानी का हल भी करके अपने बच्चों की नौकरियां भी ला के, अपने बच्चे जस्टिस दे के, अच्छी पढ़ाई करा के, अच्छे हॉस्पिटल दे के, वधिया सरकार दे के, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, असें जिले साड़ी इत्थे सारा सिस्टम असें बनाई लेना इलेक्शन थ्रू बाद, तुसें देखियो अस ऐसा एक शासन देंगे, लोगों लगेगा इतने भी नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है। खिदमत सेंटर जम्मू कश्मीर बैंक के जो काफी देर से बंद पड़े हैं, 80 दिन से ज्यादा हो गया, वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनकी बात आपने की? देखो खिदमत सेंटर है या JK बैंक वाले एस्पिरेंट है ना, या SRO 202 वाले साढ़े जड़े एम्पलाइज लगे थे ना, या ये इलावा जड़े 60,000 डेली वेजर अलग अलग डिपार्टमेंटें दे CP वर्कर लगे थे ना, इनकी समस्याएं की लिए अस बार बार प्रशासन माननीय उपराज्यपाल महोदय उनके नाल चर्चा कराने, माननीय गृहमंत्री साहब नाल चर्चा कराने, तुसें देखा होना 60,000 जड़ा चाहे PHE PWD बिजली डिपार्टमेंट के जड़े कच्चे मुलाजम डेली वेजर CP वर्कर है, हड़तालों पर है, मैं गवर्नर साहब की मिलिया, उनकी मुलाकात कराई, उनकी समस्या का समाधान होवा करता है। JK बैंक वाले बच्चे लेइए, उस दिन सीधा गवर्नर साहब को गया, तुहाड़े सामने वो मेरे दफ्तर आए, अस उन्हें अपनी गड्डी बिठाइए, सीधा लेइए, भाई इनकी समस्या का समाधान करो, अस अपनी जनता नाल है,
साड़ी वजूद साड़ी पछाण साड़ी जनता है। ये जेड़े तुस आखा दे ना टाइगर इज बैक, ये टाइगर नहीं आना, ये म्याऊ म्याऊ वाले बिल्ले ना बिल्ले। हाँ मैं तुसें सुनाई उड़ा। गुलाम नबी आजाद भी कल मिलते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को और वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी को वापस लाना जम्मू कश्मीर में। क्या डेमोक्रेसी इस टाइम जम्मू कश्मीर में? देखो ना, देखो गुलाम जेदा ना गुलाम है उन्हें क्या करना भरावा? गुलाम पहले गुलाम अगे आजाद, समझ नहीं आई? एक बंदे का ना देखो गुलाम और लास्ट क्या आई आ? देखो जेड़े आपे गुलाम हैं, सोनिया गांधी के गुलाम, इतने आनीय लोगों पर दाड़े मारीे आजाद बनना, उत्थे दे गुलाम हैं, इंदा कुछ नहीं बनना, मुक्की ये देना, ये सारे लम्बे लम्बे भैया देना, चंदा नहीं कर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के रिलीज हो जाने के बाद अब उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और शाह फैजल अभी तक डिटेन है, उनका कब तक रिहाई हो सकती है? अगर मेरा बस चलता ना अपना, हूँ तुस मेरे को सारिया गल् कढ़ाइए मुसीबत पाड़ दियो। बस चलता के मेरी गल सुनो, आम जनता खुश है, आम लोग खुश हैं, आम भाई आम जनता खुश है नहीं? बिल्कुल सर। ये सारे अंदर होने चाहिए नहीं? बिल्कुल। वो महाराज इन्हें बर्बादी की है, जदू दे अंदर कोई पत्थर चला था कश्मीर, कोई गोली चली है, कोई हड़ताल हुई है, वो जनाब इन्हें का सारा सिस्टम बर्बाद किया था। मैं कई बार तुसें पहले भी आख्या हा, एक बार बेहिए सोच विचार करो, ये चाहते कि अपने बच्चे लंदन अमरीका इंग्लैंड दुबई हांगकांग और जेके बैंक लुटी लुटीए जेके बैंक के पैसे सारे खादन, हूँ जो कार्रवाई होवा दी है तो बड़ी तकलीफ होती है। मोदी साहब की सरकार है, बच नहीं सकते। एक बार रियासी को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिलवाने के लिए ऋषि कुमार कौशल जी ने कसम खाई थी वो दाढ़ी नहीं कटाएंगे, अब उमर साहब ने भी कसम खाई है कि 370 अगर वापस नहीं आएगा तो वो दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। देखो क्या 370 देखिए, किसी ने दाढ़ी रखी है या दाढ़ी काटी है ये उनका अपना मजहबी मामला है, ये उनका धार्मिक मामला है, उनका मजहब के हिसाब से उन्होंने किया होगा और ये उनकी पर्सनल लाइफ है। किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कमेंट करना ये मेरा दायित्व नहीं है, ना ही मेरी जिम्मेवारी है, ना ही उनकी पर्सनल लाइफ पर मेरे को कमेंट करना चाहिए। शायद उन्होंने अपने धार्मिक जो मजहबी रीति रिवाज के अनुसार कुछ सोचा होगा, वो उनकी पर्सनल लाइफ है। किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस करना, इंटरवेंशन करना, कमेंट करना ये मेरे लिए ठीक नहीं है। हाँ, रियासत जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए जब बात होगी, तो जब ईमानदारी की बात होगी, सच्चाई की होगी, देश की होगी, तिरंगे झंडे की होगी, गरीब मजदूर किसानों की होगी, तब आपको रविंदर रैना सबसे आगे लड़ता हुआ जूझता हुआ नजर आएगा, लोगों को हक दिलाते हुए नजर आएगा और इंसाफ के लिए लड़ता हुआ नजर आएगा। तो टाइगर के बाहर आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाजपा को? टाइगर नहीं है ना, ए म्याऊ म्याऊ वाले बिल्ले ना। फारूक साहब बाहर तो आ चुके हैं, लेकिन अब फिलहाल भाजपा आने वाले दिनों में इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को किस तरह से देखती है वो तो वक्त ही बताएगा। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली जेके मीडिया के लिए, जय हिंद।